उसने क्या ऐसा काम किया था कि अगर आप जानते तो चौराहों पे खड़े होकर के जब बोलते तो कुछ लोगों को जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे हैं उनसे पूछते कि हमको काफिर कह रहे हो। कुरान मजीद में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है, हम उस पे भी नहीं जाते और ये कहते हो कि काफिर का कत्ल वाजिब है, जस्टिफाई है, आपकी किताब कहती होगी, हम तो नहीं मानते। लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने गरेबान में झांको, एहसान मंद होना चाहिए उन तमाम सारे लोगों को जो दुनिया में हैं। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उन 57 देशों की बात कर रहा हूं जिनसे ये बात छुपाई गई है। और ये कोई इतिहास में 1000 साल एक लम्हे के बराबर होता है, कोई बहुत बड़ा उसका कालकाल नहीं होता। प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके दामाद का कत्ल मस्जिद में किसने किया था? जो लोग कत्ल कर रहे थे वो कलमा पढ़ पढ़ के कर रहे थे, ना उसमें कोई रामलाल था, ना श्यामलाल था, ना विश्वंदु परिषद थी, ना आरएसएस थी, तो कौन लोग थे भाई, बताओ दुनिया को। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का किसने उनके घर में आग लगाई और जलते हुए दरवाजे में उन्हें दबा दिया और उनकी मौत हो गई? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को करबला के मैदान में किसने मारा? ये बताओ ना, तब पता चलेगा कि असली सनातन वाले कौन होते हैं और ये जो तुम किताब को फॉलो करते हो तुम में और हम में कितना फर्क है। उनके नवासों को मारा, उनके नवासों के नवासों को। अगर ऐसी मिसाल, ऐसा इतिहास जो कि ना आरएसएस ने लिखा है, ना विश्वंदु परिषद ने लिखा है, क्योंकि ये बेचारे कुछ भी कहते हैं, लोग कहते हैं साहब ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आपने जो इतिहास बताया है वो तो मनगढ़ंत से भी आगे है। और आप अपने यहां इतिहास न पढ़ाए, पूरी दुनिया आपको उसी सनातन से जानती है और उनके पास इतिहास ओरिजिनल है, कोई उन्होंने उसमें टेम्परिंग नहीं की है। कमाल की बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जिनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए किसी को, उनके प्रॉफिट हैं, वो उनको मानते हैं, हमें उनसे कोई इसमें दोराय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल जो लोग सुबह से शाम तक हमको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, उनसे पूछिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को एक आदमी सिंध से चला जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को मारने के लिए जब वो आगे बढ़ रहा था तो राजा दाहिर सेन, जो हिंदू राजा था, उसने अपनी पूरी फौज, पूरा परिवार, बहन बेटी बहू सब दांव पे लगा दी प्रॉफिट साहब के उन नवासों को बचाने के लिए। और उनको बचाते बचाते पूरा राजा दाहिर सेन का परिवार मारा गया। लेकिन जब उनको राजा के घर में जो छुपे हुए लोग थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार के थे, उनको मोहम्मद बिन कासिम ने गर्दन अलग कर दी उनकी। और आपको आज वो लोग ये बता रहे हैं हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू असहिष्णु हो गया है। 5000 साल पहले के इतिहास को जो नहीं जानते वो ये बौने सवाल आपसे कर रहे हैं कि जब न कोई चुनाव था, न सेकुलरिज्म था, न वोट चाहिए थे, तब भी राजा दाहिर सेन ने अपने 5000 साल पुराने उसी डीएनए का वो रूप दिखाया जो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप बौने हैं, आपको सनातन की ताकत नहीं पता है। आज जिन्होंने बचाया उनके वारिसों को आप काफिर कह के मारेंगे, और जिन्होंने मारा वो आपके हीरो हैं। पाकिस्तान का हीरो है मोहम्मद बिन कासिम। और आप हमको बता रहे हैं कि टॉलरेंस क्या होता है? जब भारत का विभाजन हुआ था 29.5% पाकिस्तान के अंदर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये ऑफिशियल डाटा है। क्या इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया है, क्या खूबसूरत मुल्क है। 70 साल में आपने 29% से इस तरीके का व्यू रचना की कि न दुनिया को पता चला, न कोई रोया, न खबर छपी, और वो 29% 1.2% रह गए। और कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है।
अगर हमसे सीखना चाहते हो सेक्युलरिज्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, हम उसके बावजूद भी 1000 साल हम गुलाम अपने 5000 साल पुराने डीएनए के कारण रहे कि हमने किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाया और सबका स्वागत किया। आज भी भारत में 27 देशों के लोग रह रहे हैं गैर कानूनी तौर से, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। यह किसी पार्टी ने नहीं बताया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और अभी वो 5 करोड़ गए या नहीं गए वो यही है, उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान आ गए वो भी यही है। इस मेजॉरिटी ने सड़कों पे फैसला नहीं किया, ये मेजॉरिटी आज भी अपने 5000 साल पुराने डीएनए के कारण 1000 साल तक गुलाम रही और उस गुलामी के बाद भी अपने उस डीएनए को नहीं बदलना चाहती। उस समाज से कहते हैं लोग कि आप इंटॉलरेंट हैं। बार बार मैं कहता हूं ये हमारी खामोशी, हमारे पुरुषार्थ और हमारी सहन शक्ति को कायर कह के मत बुलाओ। बार बार कहता हूं मैं ये और समझाने की कोशिश करता हूं, उनके बीच पैदा हुआ हूं। अगर 1% भी दीवाने हो गए इसमें से, 1% भी बहक गए तो 15 मिनट का टाइम नहीं मांगोगे, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें धन्य होना चाहिए कि इस देश की मेजॉरिटी आज भी अगर कोई काम इस मेजॉरिटी समाज का गलत करता है तो आप कहें उससे पहले उसके खिलाफ खड़ा होता है। और आपका चरित्र क्या है? आपका चरित्र यह है कि इस देश में एक राज जिसमें 71% है आप, आपने सरकारों के दबाव में संविधान बना लिया, सारे कानून बना लिए, 70 सालों में जम्मू कश्मीर में एंटी हिंदू और एंटी इंडिया 85 कानून बने, लेकिन देश के किसी अच्छे बड़े गोल टोपी लंबी टोपी अलिम साहब फजल साहब रहमान भाई किसी ने यह नहीं कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि इस देश में मेजॉरिटी हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई हिंदू के हाथ से गलत काम होता है तो सबसे पहले उसको सजा देने के लिए उस समाज के लोग आते हैं। ये जुडिशरी में भी हिंदू हैं और पुलिस में भी हिंदू हैं, तब भी वो लोग कभी अपने हिंदू होने का और मेजॉरिटी होने का दम नहीं भरते और कानून की बात करते हैं। लेकिन एक मुसलमान मुझे बताइए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर के लेह लद्दाख तक, कोई एक मुझे ये बता दे कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ उनकी पहचान, उनका रंग और उनका धर्म देख करके गिन गिन के मारा जा रहा था, बल्कि इस तरीके का अनाउंसमेंट होता था टीकालाल टपरू को कल सजा दी जाएगी, या तो वो छोड़ दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो टीकालाल टपरू को जब जम्मू कश्मीर मारा, क्योंकि उसी दरमियान में मैंने जर्नलिज्म अपना शुरू किया था, तो ये सब चीजें घटनाएं मेरी आंखों से देखी हुई हैं। मुझे किसी किताब और अखबार की जरूरत नहीं है, मुझे कोई टेलीविजन देख के राय नहीं बनानी है। टीकालाल टपरू को सरेआम गोलियों से भून के डाल दिया चौराहे पे, और वो जिन लोगों ने मारा था वो मोटरसाइकिल से उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, और पीछे से मस्जिद से साहब ये कह रहे थे वो जिनका काम अल्लाह का फर्ज बताना था, जिनका काम सही राह पे लाना था, वो मस्जिद से कह रहे थे कि टीकालाल टपरू को अगर किसी ने पानी दिया तो उसका हश्र भी ये होगा। कोई नहीं निकला, कोई समाज में बतरसना नहीं हुई, कोई कंडमेशन नहीं हुआ, किसी ने यह नहीं कहा यह बुरा है, सब खामोश है। मैं कहता हूं आप खामोश नहीं हैं, आप एक एजेंडे के तहत अफजल गुरु को अपना काम करने देते हैं, दुजाना को अपना काम करने देते हैं, रामपुर वाले को अपना काम करने देते हैं, फिल्म में जो ढोलक बजा रहा है वो भी अपना काम कर रहा है, जो गा रहा है वो भी अपना काम कर रहा है, जो लिख रहा है, ये सब मिले हुए हैं, इसलिए कोई बोलता नहीं है। ये मक्कारी है इस देश के अंदर कि एक बहुसंख्यक समाज जो अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रहा है सरकार से, ये दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि बहुसंख्यक समाज किसी देश का ये कहे कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। जो समाज छोटी गिनती में होता है वो बराबर के अधिकार मानता है, लेकिन हम मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम नहीं देंगे क्योंकि उनको उसी स्थिति रहने में ज्यादा पॉलिटिकल फायदा है। लिहाजा इस देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है, जब भी आप उसकी बात करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोगों को बुरा लगने लगेगा। लिहाजा आपको छोटी सी घटना बताता हूं, 1976 में भारत की पार्लियामेंट में 3 दिन तक चर्चा हुई
और उस चर्चा के बाद 42वां संशोधन संविधान संशोधन बिल पास हुआ। उस 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ उसकी 7वीं सूची के अंदर यह कहा गया सरकार से कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक पॉलिसी बनाए, परिवार नियोजन को लेकर एक पॉलिसी बनाए। लेकिन सन 1976 से लेकर के 2019 आ गई है, सरकारों ने इसको इसलिए नहीं छुआ कि उनको लगता है कि इसे छुएंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। दुनिया का कोई देश ऐसी बेशर्मी के साथ नहीं चलता है। आप राष्ट्र चलाते हैं, आपके सामने राष्ट्र और देश होना चाहिए। कौन नाराज होगा कौन नहीं नाराज होगा इसका मतलब नहीं है। सबकी नाराजगी से और सबकी खुशाम करने से यह देश इस हालत में पहुंच गया है कि आप सच को सच नहीं कह रहे हैं। मुझे ऐसी कुछ सूचनाएं हैं, इसके ऊपर कानून जल्दी बनने जा रहा है। कानून कब बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लिहाजा एक नहीं अनेकों चीजों पे लड़ना है। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिसको आपको नहीं बताया गया कि भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन उसी संविधान के अंदर उस संविधान सभा के लोगों ने यह कहा कि यह भारत का संविधान जो है इसके ऊपर अगर भारत न लिखा जाए और कोई भी दुनिया का आदमी इसको देखे तो देखते ही वो ये कहे कि ये भारत का संविधान है, ऐसा हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये सारा आर्काइव में रखा है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब आर्काइव में रखा है। आपको कभी पढ़ने नहीं दिया गया और आप में ये जिज्ञासा पैदा नहीं हुई और आपको नई नई कहानी सुनाते गए, लिहाजा इतिहास में बहुत सारी चीजें दब गई हैं। इस वक्त देश में सिर्फ इतना ही हो रहा है कि कुछ सच बता दीजिए बाकी लोग अपने आप खोज लेंगे। भारत के नेशनल आर्काइव में जाइए, उस आर्काइव के अंदर वो संविधान रखा हुआ है जिस संविधान के अंदर यह कहा गया था कि इसको देखते ही ये भारत का संविधान लगे। तो नंदलाल बोस को आपने बंगाल से बुलाया और नंदलाल बोस के साथ में 9 लोगों की टीम बनाई और शांति निकेतन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके आए और उनसे कहा कि आप इस संविधान की पूरी समीक्षा करें, इसको पढ़ें और इसकी आत्मा से क्या निकलता है वो तस्वीरें इसके ऊपर बनाएं। उस डिसीजन लेने वाली कमेटी में एक भी कट्टर हिंदू और आरएसएस का आदमी नहीं था, किसी ने यह नहीं। उस वक्त जो लोग थे, उस नंदलाल बोस ने 22 स्केचेस बनाए, उनको अप्रूव किया गया और फिर भारत के संविधान में जहां जहां जिस पन्ने पे जगह खाली थी उसमें वो स्केचेस भर दिए गए। ये सब कुछ अप्रूव करने के बाद हुआ, फिर वो अप्रूव भी हो गया, वो संविधान की कॉपी भी छपी। लेकिन इस देश में अजीबोगरीब स्थिति है, किसको लगा कि ये तस्वीरें देश के लिए कुछ लोगों को नाराज करेंगी, तो आपने चुपचाप से बगैर बताए डाका डाला और उस 22 तस्वीरों को 22 स्केचेस को जो भारत के संविधान में बने थे उनको हटा दिया। आपको मालूम है कि जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके ऊपर अगर पहली तस्वीर थी और अगर वो तस्वीर होती, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सोच करके बहुत चतुराई के साथ एक डिजाइन के साथ एक कॉन्स्पिरेसी के साथ इस देश के साथ उस वक्त के बौने नेताओं ने गद्दी पे बैठने के लिए हर वो काम किया कि जिससे आप अपनी 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति की तरफ न लौट जाए। उसके पहले पन्ने पे जहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, उस पे पहली तस्वीर भगवान राम की, सीता जी की और हनुमान की बनी हुई है। क्या इसको उठाना, क्या इस सवाल को समाज के सामने रखना सांप्रदायिकता है, क्या किसी के मजहब के खिलाफ बोलना है? तो सवाल यह है कि हम हर बात को आप अगर इस चश्मे से देखेंगे तो फिर लोग यह भी पूछेंगे कि आप ऐसी टोपी क्यों लगाए हुए हैं, फिर आप तिलक क्यों लगाए हुए हैं। मैंने सुना है कि झारखंड के कुछ इलाकों में तिलक लगा के जाने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, 2 हत्याएं हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं है कि अगर आपने बहादुरी से
सच्चाई से सामना नहीं किया तो लोग आपको आपके घर में आके पूछेंगे आज ये पूजा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करनी है। एक पुजारी पूजा करता था, गरीब आदमी था, वो भजन गाता था। कुछ लोगों ने कहा ये भजन से हमारे मजहब के खिलाफ है। वो गरीब पुजारी समझ ही नहीं पाया कि क्या शातिर लोग। उसने कहा मैं तो सिर्फ दो वक्त ये भजन लगाता हूं आधे आधे घंटे के। उसने नहीं सुना, दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी गई। इस देश का संविधान, इस देश का सिस्टम, सरकारें और ये निजाम उस आदमी के साथ नहीं खड़ी हो रही जो मासूम है, जो मजलूम है। सरकारें डरती हैं और सरकारें डरती हैं तो सरकारों के तंत्र भी डरते हैं।